रोल बनाएंगे, तंदूरी चिकन रोल, तंदूरी चिकन रोल नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, होपफुली जी आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पर आज का व्लॉग जो है ना वो मॉर्निंग में शुरू हो रहा है और सुबह सुबह जो है ना हेल्पर मेरी चली गई थी जी अपने काम वाम करके, तो मैं ये प्लेट्स जो है ना ऑर्गेनाइज करने आई तो मैंने देखा कि ये प्लेट्स ना टूट रही हैं मेरी। मैंने बहुत सारे बर्तन जो है ना मेरे ख़राब होने शुरू हो गए और रीज़न यही है कि हेल्पर जो है ना वो बर्तन धोती है। खैर मैं उसको भी ये तो नहीं बोलने वाली कि वो ये ना करे, लेकिन अब मुझे थोड़ी सी एहतियात करनी होगी क्योंकि माशाल्लाह से जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो बहुत सारे दिन में माशाल्लाह से बर्तनों का इतना रश होता है ना कि अगर मैं ये काम अपने अंडर ले लूँ तो बस पूरा दिन ना फिर सिर्फ मैं आई थिंक बर्तन ही धोती रहूँ। खैर इसका आप कुछ ना कुछ तो करते हैं। उसके बाद जो मैं आज थोड़े बहुत अपनी चीज़ें देख रही थी, काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो मेरी ख़राब हो गई हैं, लेकिन मेरी रोज़ाना की ड्यूटी होती है कि जब हेल्पर मेरी सुबह किचन साफ़ करके जाती है ना तो किचन को ऑर्गेनाइज मैं अपने हिसाब से करती हूँ क्योंकि वो उस तरह से नहीं करती, और छोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो घर की देखनी चाहिए और मैं देखती रहती हूँ क्योंकि जो हम काम इग्नोर करते रहते हैं ना वो ख़राब ही हो जाता है। सो उसने मेरा एक काउंटर का ना दरवाज़ा भी आज जो है ना वो खैर टूट गया है, वहाँ मैं ये कचरा वगैरह रखती हूँ। अच्छा ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही थी, ये मेरे कुछ फूल हैं आर्टिफिशियल, काफ़ी टाइम से ये देखें ये साफ़ नहीं हो रहे थे तो काफ़ी सारे गंदे हुए थे, मैंने कहा चलें आज फारिग हूँ तो यही धो लेती हूँ। जब किचन साफ़ होता है ना तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ना हमें नज़र आ रही होती है। खैर मैंने ये बात नोट की है, जो चीज़ें मुझे नॉर्मल नज़र नहीं आती ना वो कैमरे की आँख में मैं देख लेती हूँ जी। मैंने कोरियन सॉस की ना रेसिपी जो है वो शेयर की थी, सो उसमें मैंने देखा कि ये मेरे फ्लावर्स के नीचे जो वाइट वाला एरिया ना, मैंने आई डोंट नो कभी इस पर गौर ही नहीं किया कि ये इतना ज़्यादा गंदा है, तो वो रील में जो है ना मुझे दिख रहा था तो बस मैंने जब से ही सोचा हुआ था कि ये देखें ये वाला एरिया, तो बस इसको मैंने कहा चलें वॉश कर लेती हूँ। और प्लीज़ आप में किसी को भी पता है ना कि अगर काला तेल कहाँ से मिलता है तो मुझे बताएं क्योंकि मुझे उसकी बहुत अशद ज़रूरत है। काफ़ी टाइम पहले पता नहीं है मेरे हस्बैंड को याद नहीं है, वो काफ़ी सारा लेके आए थे तो बहुत सारी उससे रेमेडीज़ मैं बनाती थी, और वो ये आप देख रहे हैं मेरा सिंक वगैरह ये भी गंदा हो रहा है काफ़ी, और काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं ना किचन की उससे साफ़ हो जाती हैं, वो सच में एक मैजिक है। हम यहाँ डिफेंस में रहते हैं तो यहाँ पर ना मेरे लिए इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो अगर किसी को पता हो ना तो मुझे बताएं। अच्छा अभी ये शाम का टाइम था और मैं वैसे तो आपको पता है मील प्लानिंग करती हूँ और अपना खाना मैं डे में ही बना लेती हूँ, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे आज कुछ डिफरेंट खाने का तो उनकी फरमाइश पे ना मैं यहाँ पर रोल बना रही थी। अच्छा रोल तो मैं चटनी रोल तो नॉर्मली भी बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने ना इसमें ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जनाब के इसका जो मज़ा था ना वो मैं आपको बता ही नहीं सकती कि कितने मज़ेदार बने थे, और बच्चे तो बस खा के ना मतलब इतने खुश कोई हो रहे थे कि पता नहीं क्या ही खा लिया है। खैर एनीवेज मैंने इसमें डाला है ये दो से आई थिंक ढाई चम्मच था तिक्का मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया था, और उसके साथ ना थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा तंदूरी मसाला, ठीक है। अच्छा ये तो मेरी नॉर्मल वाली रेसिपी है कि मैं इसी तरह से बनाती होती हूँ, थोड़ी सी चिली सॉस ऐड की थी मैंने इसमें और उसको अच्छा सा मिक्स कर दिया था। ये देखें जी ये है मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, दैट इज़ मायोनीज और चिली गार्लिक सॉस। आप यकीन नहीं मानेंगे इसका टेस्ट इतना उम्दा बना था ना इसके साथ, ये मैंने बस ऐसे ट्राई किया, मैंने कहा चले आज ऐसे ट्राई करके देखती हूँ, तो बहुत मज़े का लगा था मुझे। पहले मैंने दही और वो जो होता है ना धनिया पुदीने की चटनी वो भी आपको पता सामने भी डिफ्रोज करने रख दी थी, और चिकन। अच्छा मैं आज मैरिनेशन को टाइम नहीं दे रही थी, वजह यही थी कि मेरा कोई इरादा नहीं था ये बनाने का, बस बच्चों का बहुत दिल था तो मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी ना मैं उनको ये बना देती हूँ। यहाँ पर मैंने मैदा लिया है और उसमें ना मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और ऑयल ऐड करके और मैं इसको गूंद के तो इसके पराठे बना लूँगी। अच्छा मैं वैसे अपनी मंथली मील प्लानिंग में ना
ये वाले पराठे जो है ना वो फ्रीज करती होती हूँ बच्चों को अक्सर। मैं इंशाल्लाह आपके साथ ना मैं एक पूरा बनाने वाली हूँ। मैं सोच रही हूँ आजकल जो जो बड़े बच्चों को लंच देते हैं ना, लाइक मेरा बेटा जो है माशाल्लाह 7th ग्रेड में है और बेटी मेरी 6th ग्रेड में, तो ये वो वाले बच्चे नहीं होते जो नगेट्स खा के जिनका पेट भर जाता है। अच्छा ये पहले आप देखें ना ज़रा मेरा पैन देखें, वॉक इसको भी ख़राब कर दिया स्टील वुल इसमें लगा के, और मेरी कढ़ाई बेचारी ना ख़राब हो गई। खैर मुझे अभी वीडियो में भी देख के ना बहुत अफसोस हो रहा है। चिकन तो मैंने पकने रख दिया था। और हम क्या बात कर रहे थे जी? हाँ यस, हम लंच की बात कर रहे थे। और मैंने यही सोचा है कि मैं ना आपके साथ ऐसे लंच जो है ना वो इतना ज़बरदस्त किस्म का शेयर करने वाली हूँ ना। आई हैव अ लॉट्स ऑफ आइडियाज़ बच्चों के लंच के लिए, कि बच्चे ना घर से जो है ना मज़े मज़े का लंच कैसे लेके जा सकते हैं। बहुत डिफरेंट और यूनिक आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह, और बहुत जल्द शेयर करूँगी। इस तरह के पराठे ना मैं काफ़ी सारे बना के रख देती हूँ, तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है जब मैं मीट या अच्छा आपने ना मेरी ये जो है ना मेरा रोलिंग पिन जो है इसको बिल्कुल आपने इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये नई आने वाली है, काफ़ी ख़राब हो गई है। ठीक है जी, तो इसमें मुझे बिल्कुल कमेंट मत कीजिएगा। एनी वेज यहाँ पर ना मेरे पराठे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए थे, और जब मैं बना के रखती हूँ ना जी तो फिर मुझे बहुत आसानी हो जाती है इन सब कामों के लिए। खैर आज कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है जी बच्चों के लिए। इनको मैं सिंपली रोल कर दूंगी, और कोई सैलेड वगैरह मैंने इसमें नहीं लगाया था, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं बच्चों के लिए बना रही थी। मेरे बच्चे बिल्कुल भी कच्चा प्याज नहीं खाते, अगर आप घर में बनाएं तो ज़रूर डालें, वो इसका टेस्ट जो है ना और ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं जी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। खैर एनी वेज यहाँ पर ना बहुत मज़ेदार किस्म के ये पराठा रोल जो है ना वो रेडी हो रहे हैं। अच्छा ये जब से मैं आपको वीडियो शेयर कर रही हूँ ना, जिस टाइम पे आपके साथ ये जो वीडियो ऑन हुई हुई है, इससे पहले वजी को मैं 2 रोल बना के दे चुकी थी, क्योंकि उससे तो सब्र ही नहीं हो रहा था। और मुझे जो है ना वीडियो शूट करनी थी, और फिर होता है एक्चुअली क्या है कि जब वो इस तरह से जल्दी जल्दी करता है तो मुझसे काम ख़राब हो जाता है। आज वैसे भी मैं रिंग लाइट का इस्तेमाल करती, तो मैं वीडियो की जो है ना क्वालिटी देख रही हूँ काफ़ी अच्छी हो गई, लेकिन मुझे ना अभी उसके रखने की कोई ख़ास जगह नहीं मिल रही है। और देखें अब इसका भी इंशाल्लाह मैं सेटअप जो है ना वो कर लूंगी बहुत जल्द। और आप इस तरह, वैसे ये बहुत अच्छा लंच के लिए भी आइडिया के पराठे आप बना के रख लें, इस तरह से चिकन जो है वो बना के रख लें, और जैसे मैंने चटनी जो है बना के फ्रीज की होती है, तो बहुत इजीली बच्चों को लंच में ये रोल भी दे सकता है। मैं अमूमन देती हूँ, लेकिन इस दफ़ा ये हुआ था कि जब मैं ग्रॉसरी लेने के लिए गई थी ना तो मुझे मैदा नहीं मिला था, और जब इम्तिहान से मैं जाती हूँ ना जो चीज़ वहाँ से नहीं मिलती, कभी ख़त्म हुई होती है स्टॉक में या कभी मैं भूल जाऊँ, तो बस फिर वो मेरी तो रह ही जाती है, और पूरा महीना फिर वो नहीं आती जी, फिर मुझे जो है ना मंगानी पड़ती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है इस तरह की चीज़ें ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए। और मेरे साथ सीन ये है कि जी खुद मैं जाना बिल्कुल मार्केट्स में अच्छा नहीं लगता मुझे, और बेटा मेरा छोटा है अभी, तो मुझे काफ़ी सारी ना ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सो मेरी मील प्लानिंग का बहुत बड़ी वजह ये भी है कि मुझे ना हर चीज़ पहले करके रखनी पड़ती है, क्योंकि मेरा ये जो ग्रॉसरी सिस्टम है ना ये बड़ा और तरह का, इंशाल्लाह ये किसी दिन डिस्कस करूँगी आपके साथ। ये देखें जी कितने माशाल्लाह से मज़ेदार किस्म के ये रोल जो है ना वो रेडी हो गए। अब इसके बाद ना अवजी ने तो ले लिया था, मैं आयत को दे के और बाकी के जो है ना वो माइक्रोवेव में रख दूंगी, कि जब भी बच्चों को भूख लगे रात तक वो ये खाते रहेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अगर आपको ना मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और मुझे अपना फीडबैक ना रेसिपीज़ ट्राई करके ज़रूर दिया करें। और जो लोग मेरे पुराने हैं जी, और वो अभी अभी दोबारा से मेरी वीडियोस पे आ रहे हैं मुझे कमेंट कर रहे हैं, उनका तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आप लोग के कमेंट्स देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो दुआओं में जी आपने मुझे याद रखना है, अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क में इजाफा करे, और आप लोगों को भी ढेरों खुशियाँ जो है ना अता करे, और भूलना आपने मेरी वीडियो देखना बिल्कुल भी नहीं है। इंशाल्लाह ना बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट जो है मैं लाती रहूँगी, ताकि आपका टाइम मुझे देख के वेस्ट ना हो। हमेशा कहती हूँ जी कि मैं कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जी, अल्लाह हाफिज़।